मनोविकारों के कारण दुखी है, मन में जो विकार है। जैसे महिलाओं का स्वभाव होता है, कभी कभी व्रत करती, स्वभाव नहीं मान ली है कि छठ पूजा कीजिए, करवा चौथ जो भी है व्रत करती कभी कभी, तो उस दिन क्या करती, नमक नहीं खाती, ठीक है, और भोजन नहीं करती, अन्य का त्याग करती, करती ना। जिस दिन व्रत करती हमारी माताएं, तो भोजन नहीं करती, अन्य का त्याग करती हैं। तो एक व्रत और मैं भी दे रही हूँ आप लोगों को, उसको कब करना है, सप्ताह में एक बार, बड़ा पुण्य मिलेगा, बहुत अच्छा व्रत है। उस व्रत में क्या त्यागना है, सप्ताह में एक बार अन्य को नहीं त्यागना, नमक को मत त्यागना, कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे, बुराई को त्यागना, क्रोध को त्याग देना, ईर्ष्या को त्याग देना, जलन को त्याग देना, कि आज हम व्रत में हैं, जलन नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, सास से झगड़ेंगे नहीं, आज हमारा व्रत है। एक दिन एक घर में मुझे ले गया है शादी, चलिए मेरी पांच बहू है, पुतहु है, पांचों खूब झगड़ती, बहुत झगड़ती, यही बिहार की घटना है। तो हम कहे कि दशरथ के समझाने से कैकेयी नहीं समझी, लक्ष्मण के समझाने से सीता नहीं समझी, और मेरे समझाने से आपकी पुतहु समझ जाएगी, कि लेकिन बाबा जबरदस्ती पकड़ के ले गए कि चलिए समझा दीजिए जो हो। तो हम गए, तो बगल में एक, उसी घर के बगल वाली एक पड़ोसन बैठी हुई थी, उन्होंने कहा साहब जी पांचों पुतहु जो है आपस में खूब झगड़ती है, रोज झगड़ा होगा, रोज झगड़ा होगा। तो हमने पांचों को बिठा के बोला कि आप लोग रोज झगड़ते हैं, तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमने बोले एक काम कीजिए, झगड़िएगा, झगड़ने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन रोज मत झगड़िएगा। सात दिन होता सप्ताह, सात दिन में एक दिन फाइनल कीजिए कि संडे की, मंडे की, ट्यूजडे, कोई भी एक दिन, इतवार, सोमवार, मंगल, कि आज हम लोगों का झगड़ा का दिन है, और एक दिन बैठ गए पांचों झगड़ लिया करो, कम से कम छह दिन खाली रह जाओगे, छह दिन समय बच जाएगा आपका, शांति मिलेगी, छह दिन तो शांति से रहेगा, कम से कम एक दिन झगड़ लिया करो, झगड़े का एक दिन फिक्स करिए कौन दिन होना है, और मुझे बता दीजिएगा, वीडियो कॉलिंग कर लूंगी और देख लूंगी कि झगड़ रहे हो। पांचों की पांचों हंसने लगी। हमने कह देखो सात दिन होता सातों दिन झगड़े में बर्बाद कर देती हो, लड़ाई में बर्बाद कर देती, सास बहू की झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा, तो आपके पास भजन के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए समय ही बचा कहाँ, सुख शांति से जीने के लिए समय क्या, इसलिए एक काम करो, सातों दिन नहीं झगड़ना है, एक दिन झगड़ना है, छह दिन शांति से रहना, जीवन का आनंद आएगा। जब चार महीना बाद उस घर में जाना हुआ तो फिर पूछे हम कि फाइनल हुआ कौन दिन झगड़ते हैं, कहा साध्वी जी अब सातों दिन में कोई दिन भी झगड़ा हमारे घर में नहीं होता, क्योंकि हम जान गए कि छह दिन हम माइनस कर देंगे, छह दिन में से एक दिन झगड़ने में माइनस कर देंगे तो घाटे ही है ना, एक एक श्वास अनमोल मिली हुई है, तो दिन की बात कौन कहे, एक एक श्वास अनमोल है, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास न जाए, कौन नाम लेते हैं, दूसरे का ध्यान भी दूसरे का, चर्चा भी दूसरे की, अरे भैया निज स्वरूप की कीजिए, आत्म स्वरूप की कीजिए, जिससे कल्याण होगा। तो मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में बुराई स्थान ले लिया है, इसलिए हम दुखी हैं और दूसरे को दुखी करते हैं। जैसे कि एक वायरस एक आदमी ने खाया, वो वायरस पूरे भारत में फैल गया, कल बताई थी मैं, इसी प्रकार एक बुराई एक आदमी करता है, लेकिन वो बुराई रूपी वायरस को हम फैलाने का काम करता है, इससे उसे पता पता के वायरस न फैले, जो है सो है, सब धीरे से ठीक होगा, सावधानी रखिए, अपना अपना सुरक्षा रखिए। तो जीवन में मनोविकारों के कारण आदमी सबसे ज्यादा दुखी है, और सबसे ज्यादा आदमी के अंदर में जो सबसे बड़ा विकार है वो है ईर्ष्या। एक भाई को दूसरे भाई से ईर्ष्या, ईर्ष्या कहाँ से शुरू होती, बाहर से नहीं, बिहार के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई मतलब, वहां के लोगों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों से ईर्ष्या, अब बिहार की बात छोड़िए, भाई को भाई से ईर्ष्या, देवरानी को जिठानी से ईर्ष्या, दूसरे से नहीं, ईर्ष्या निज से,
स्वयं के लोगों से। बताइए सोचिए, हम करते भी है तो किससे? अपने ही लोगों से ईर्ष्या, दूसरे से नहीं। एक साधु को दूसरे साधु से ईर्ष्या, एक प्रवक्ता को दूसरे से, एक गायक को दूसरे गायक से। इस ईर्ष्या की बातें मत सोचिए कि नीचे, ये ऊपर भी है। कहे कबीर कह जइयो भाग, जहां देखी तहां लागी आग। उधर से भाग के आप घर से यहाँ आए, यहाँ भी हुई है ईर्ष्या। सब जलन सब जगह, राग द्वेष सब जगह। करना क्या है हमको, ये देखना है। एक बार राम भगवान ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ शिक्षा लेके आओ, कुछ ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगा कि प्रभु राम, भैया राम, इतने विद्वान, इतना सब कुछ महान आदमी, और दुष्ट आदमी से, रावण से, बुरा आदमी से कहते कि कुछ ज्ञान प्राप्त लेके आओ, कुछ शिक्षा लेके आओ। तब भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण, हर बुरे आदमी में भी बहुत अच्छी अच्छाई होती है, और हमको उससे अच्छाई लेना, मरने से पहले उससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना, क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था। राम के अंदर कितनी अच्छी बात है। हम लोग तो किसी महात्मा को देखिए ये तो बहुत बुरा है, अरे उसमें भी कुछ अच्छाई, आप अच्छाई लेने आए तो अच्छाई लेके जाइए, वो बुराई को मत लेके जाइए। तो मैं कह रही थी कि सबसे बड़ा रोग आदमी का ईर्ष्या है, जलन है। ये जलन अंदर से ही पैदा होती है। एक छोटी सी कहानी, 5 मिनट मेरा समय बचा हुआ है, 9:05 में टाइम दिया गया था, तो 9:35 में मेरा टाइम खत्म होता आधा घंटा। तो छोटी सी कहानी एक मैं बता के अपनी बात को विराम दूंगी। एक बार एक गांव में हाथी आया। देखो ईर्ष्या कैसे होती है। एक गांव में हाथी आया, जिस गांव में हाथी आता था आप लोग जानते हैं कि हाथी को देवता मानते, गणेश का होता। तो गणेश भगवान के कि हमारी माँ बहने क्या करती, सूप में अनाज ले जाके हाथी को खिलाती और कुछ दान दक्षिणा 150 रुपया करती। तो बच्चे क्या करते, हम भी बच्चे थे, गांव में हाथी आ जाता था तो बच्चे के हाथी के पीछे लग जाते थे। तो जब गांव में हाथी आया तो सारे गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए कि हाथी आया है, जय हाथी भगवान की, जो कुछ है, नारे लगाने लगे, जयकारा लगाने लगे। पीछे पीछे कम से कम 50 लड़की इकट्ठे हो गए, बच्चे। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, मुखिया सरपंच, बड़े सम्मानित आदमी, वो हाथी को देखकर प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि हाथी देवता हमारे गांव में आज आए हुए। और महात्मा जी जो थे हाथी को लेके बाबा घर घर घुमा रहे थे, लेकिन गांव के 3-4 कुत्ते मिलकर हाथी को बहुत भौंक रहे थे। भौंक, समझ रहे होंगे, हाथी को बहुत भौंक रहे थे। तो बहुत देर जब बीत गया, 4-6 घंटा बीत गया, तो महात्मा जी को कुत्ते के ऊपर दया आया कि कुत्ते इतना परेशान क्यों है हाथी को देखकर। 4 घंटे हुए हो गए, भौंक रहे हैं, पसीना पसीना हो गए कुत्ता, और हाथी अपनी मस्ती से चल रहा है, चल रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं कि कोई भौंक रहा है। कान इतना बड़ा बड़ा, लेकिन हाथी की गंभीरता, सहन शक्ति देखिए। हम लोग इतने इतने से कान है, पर इतनी सी आवाज पहुंचेगी तो हम लोग क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। और हाथी का इतना इतना बड़ा कान, 4 कुत्ते भौंक रहे 4 घंटे से, फिर भी हाथी अपनी मस्ती में चल रहा, चल रहा। तब महात्मा को दया आई किस पर, कुत्ते पर। कुत्ते से बोला, भाई कुत्ते इतना भौंकते क्यों हो। कहा महात्मा जानते नहीं हो, सब चीज तो जान जाते हो, महात्मा बन गए इतनी बात पता नहीं चल रहा कि हम भौंक क्यों रहे। कहा पता नहीं चला तभी ना पूछ रहे हैं। कहा हमको इस हाथी से बड़ी परेशानी है, ये जल्दी से इसको गांव के बाहर ले जाइए। कुत्तों ने कहा कि इस हाथी को जल्दी से गांव के बाहर कीजिए, जंगल में ले जाइए, हमको हाथी से बड़ी परेशानी हो रही। महात्मा ने कहा, भाई माफ करना, मेरे हाथी ने कोई आपका काम बिगाड़ दिया कि धक्का दे दिया। बोले धक्का नहीं दिया। कहा कुछ चुरा लिया। कहा कुछ चुराया भी नहीं, कुछ घाटा कर दिया। बोले आपके हाथी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो बोले कुछ नहीं बिगाड़ा तो परेशानी क्या चीज की हो रही, क्यों इसको जल्दी ले जाने के लिए बोल रहे। बोले नहीं, हमको बड़ी एलर्जी हो रही।
क्या कारण? देखिए ईर्ष्या कैसी होती है। हाथी ने कहा, कुत्ते ने कहा, महात्मा जी इस हाथी को जल्दी से जल्दी बाहर ले जाइए गांव के, हमको सहन नहीं हो रहा। बोले क्या सहन नहीं हो रहा? हाथी का शरीर। बोले हाथी का शरीर नहीं, हाथी का खाना। बोले हाथी का खाना भी नहीं, बात क्या है? बोले कहा महात्मा आप समझे नहीं, रहे पूरे महात्मा के महात्मा। कहा देखिए 50 बच्चे हाथी के पीछे जय जयकार लगा रहे हैं, सामने लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, हमको बर्दाश्त होगा? हम इस गांव में 10 से हैं, आज तक कोई जयकारा नहीं लगाया, कोई हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया। ये हाथी कल आया और आज सारे गांव में जय जयकार हो रहा, हमको बर्दाश्त होगा? ईर्ष्या इसे कहते हैं। महात्मा ने कहा रहे आप कुत्ते के कुत्ते। सज्जनों समय हो गया है अपनी वाणी।